साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली के चलते इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, किन तरीकों से हो रहा है, आम जनता को भी कुछ इसके बारे में जानना चाहिए। हमारे बीच हैं वरिष्ठ एडवोकेट जनाब खालिद साहब। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि सर, इसको कैसे देखते हैं वर्तमान कमिश्नर प्रणाली को, इसकी कार्यप्रणाली कैसे आपको लगी? आप हाल ही में खुद गए हैं किसी केस के सिलसिले में और पूरी थोड़ी रोशनी डाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, इस कमीशन प्रणाली में क्या है? साथियों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गृह विभाग की एक अधिसूचना के माध्यम से भोपाल और इंदौर में पुलिस कमीशन प्रणाली का आरंभ की गई है। विगत 1.5 माह के कार्यकाल में लगातार ये लोग अपनी कार्रवाइयाँ आरंभ कर चुके हैं और धीरे धीरे इनकी न्यायालय आरंभ हो चुके हैं। CSP रैंक के अधिकारी जो कि सहायक पुलिस आयुक्त की कार्रवाई के तहत धारा 107, 116, 3, धारा 151 के प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। उस व्यवस्था का मेरे द्वारा निजी अवलोकन किया गया, उससे प्रतीत हुआ कि इन्होंने CRPC की पूरी प्रक्रिया को अपनी तरफ से एक नए सिरे से नई कार्रवाई के तहत आरंभ कर दिया है, जिसमें पक्षकार उपक्षकार के सहित अधिवक्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्षों से जिस प्रक्रिया का संचालन संपूर्ण भारत में चल रहा था, उस प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपनी एक नई पद्धति का आरंभ करके जिस तरह CRPC की धारा 107, 116, 3 में जिनको अनावेदक बनाया गया है, उनके कथन लेना, कथन का प्रतिपरीक्षण करना जिस तरह से किया जा रहा है, वो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। साथ ही जिस प्रकार की ये नोटिस जारी करके उसमें 25-25 हज़ार रुपये की जमानत और 25-25 हज़ार के अंतिम बंद पत्र की जो मांग की जा रही है, वो भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधात्मक धाराओं को निवारक धारा की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। साथ ही कई प्रकार की जो कार्रवाइयाँ पूर्व में हुई और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत जारी किए गए, उसमें ये कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक ना तो बंधपत्र ले सकते और ना ही बंधपत्र की शर्तों के लिए या आरोप स्वीकार करने के लिए उसको विवश कर सकते हैं। मगर जो भोपाल में प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है सहायक पुलिस कमिश्नर प्रणाली में या सहायक पुलिस कमिश्नर न्यायालयों में जो उनके प्रवाचक बैठे हुए हैं, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार न्याय संगत प्रतीत नहीं होता और सीधे सीधे वो मानवाधिकारों का हनन है। वो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के विपरीत है, क्योंकि इन सबसे मैं स्वयं परिचित हुआ हूँ और मैंने उसका उन न्यायालयों में जाकर विरोध भी किया और उनको बताया कि ये प्रक्रिया गलत है। जिस प्रक्रिया का आप पालन कर रहे हैं, उस प्रक्रिया के तहत आप CRPC के नए प्रावधानों को नहीं ला सकते। निकट भविष्य में हम माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय को इस बात से अवगत कराएंगे कि आपके अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, वो दंड प्रक्रिया संहिता या विधि द्वारा सुसंगत नियमों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। एक और विषय मेरे समझ में आया है, वो ये कि CSP रैंक के अधिकारी जिनको सहायक पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, उनके न्यायालय का कोई समय निर्धारित नहीं है। भोपाल के 7 या 8 जो क्षेत्रों को बांटा गया है और जिन क्षेत्रों के अंदर सहायक पुलिस कमिश्नरों को नियुक्त किया गया है, वो किसी निर्धारित समय में अपने न्यायालय में उपस्थित नहीं होते, जिसका परिणाम ये होता है कि अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के साथ साथ उनके पक्षकारों को पुलिस अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता है, उनकी प्रतीक्षा करना पड़ती है और प्रतीक्षा करने के पश्चात जो उनके प्रवाचक है, जो नए नए रूल रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, जो नई प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, उसके कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूँ कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जनता को परेशान करने की नीयत से नहीं लाई गई थी, बल्कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाई गई थी।
मगर जिस प्रकार का व्यवहार वर्तमान में पुलिस अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारी कर रहे हैं, उससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि जनता को, पक्षकारों को और अधिवक्ताओं को प्रताड़ित करने का एक माध्यम पुलिस कमीशन प्रणाली बन गया है। सर, कुछ लोगों ने ये भी बताया है, मैंने नीचे कुछ उनसे पूछा है पीड़ितों से, तो उन्होंने बताया कि सर सुबह से शाम हो जाती है चक्कर काटते हुए, तो सर न्याय प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों इतना वक्त जा रहा है इन पक्षकारों का, और ये जो बाहर बैठ कर परेशान हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, प्रक्रिया के अंदर कोई ऐसा व्यवधान नहीं है, परंतु जो नई व्यवस्था बनाई गई है पुलिस कमिश्नर प्रणाली में, उसमें विशेषकर सहायक पुलिस कमिश्नर जो बनाए गए हैं, उनके प्रवाचक और उनके अधीनस्थ अधिकारी जिस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, उससे आम जनता को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। न्यायालयीन समय जो है वो, उसके पश्चात भी जो न्यायालय चल रही है, कई जगह ये देखा गया है कि भोपाल के शाहजहाँबाद संभाग के अंदर जो सहायक पुलिस कमिश्नर बैठे हुए हैं, उनकी न्यायालय में पक्षकारों को और अधिवक्ताओं को रात के 8-8, 9-9 बजे और कभी कभी 11-11 बजे तक बैठना पड़ रहा है। ये सीधे तौर पर अधिवक्ताओं और पक्षकारों के साथ जो है एक तरह से प्रताड़ना है और मानवाधिकारों का हनन है। न्यायालयीन समय के अंतर्गत ही आपको न्यायालय के अंदर अपनी कार्रवाई को पूर्ण करना है और जो प्रक्रिया है उसका पालन करना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सहायक पुलिस कमिश्नर जो हैं वो, क्योंकि कानून व्यवस्था भी देखते हैं और पुलिस अधिकारी होने के नाते उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उसके कारण वो न्यायालय में समय नहीं दे पाते। मैं पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देउस्कर जी से भी ये मांग करूँगा कि आप एक सर्कुलर निकालें और जितनी भी ये सहायक पुलिस कमिश्नर न्यायालय हैं, इनके लिए एक समय निर्धारित करें, या ऐसा करें जिससे अधिकारियों की कमी हो और न्यायालय एक ही स्थान पर लगे, ताकि एक अधिकारी जो इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वो अन्य कार्यों से मुक्त होते हुए सिर्फ न्यायालयीन कार्य को ही करे, ताकि वो पूरे समय जो है वो न्यायालय चला सके। सर, वरिष्ठ अधिकारियों ने ये भी बताया है कि ये भी नया नया मामला है और धीरे धीरे कई व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, क्या आप इसमें कोई प्रशिक्षण की गुंजाइश देखते हैं या कुछ और सुधार की गुंजाइश देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने जिस त्वरित कार्रवाई के तहत इस प्रक्रिया को अस्तित्व में लाया है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है। मेरा ये मानना था कि कमिश्नर प्रणाली को भोपाल और इंदौर में लाने से पहले कम से कम 6 महीने तक इन पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना चाहिए था, इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि जिस कार्रवाई के तहत आप न्यायालय चला रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था है। उसके स्थान पर अचानक एक आदेश पारित किया जाता है और गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके इनको कमिश्नर बना दिया जाता है। मेरे निजी ज्ञान से, जो कि मुझे इतने वर्ष का अनुभव है, उसके हिसाब से ये जितनी भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। ये स्पॉट के ऊपर कानून व्यवस्था चला सकते हैं, परंतु न्यायालय किस तरह चलाने आती है इसकी प्रक्रिया का इनको ज्ञान नहीं है, और इस कार्रवाई को या इस प्रक्रिया को जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली कह रही है, इसको तत्काल प्रभाव से खत्म करके सबसे पहले इनको प्रशिक्षण दिलाया जाए, और प्रशिक्षण दिलाने के बाद इनको ये एहसास दिलाया जाए कि न्यायालय चलाने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार न्यायालय चलाई जाती है और किस प्रावधानों के तहत न्यायालय चलाई जाती है, उसके बाद इस प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए। सर, इंदौर शहर के अंदर सभी अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया है और एक ज्ञापन भी दिया है, तो भोपाल में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि अधिवक्ता भी देखिए इसमें निराश हैं, ऐसा सुनने में आया है। इसमें क्या है, अधिवक्ताओं को लगातार परेशान होना पड़ रहा है, अधिवक्ताओं के पक्षकारों को परेशान होना पड़ रहा है। वो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय पीसी कोठारी जी, सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई है, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार चौधरी जी से भी इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि हम डीजीपी महोदय और पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देउस्कर जी से मिलकर इसमें जो खामियां हैं उन खामियों को बताएंगे, उनमें सुधार की गुंजाइश यदि होगी तो वो सुधार करेंगे, अन्यथा हम इसके खिलाफ जो है जल्द ही एक कानूनी पहलू रखेंगे और उस पूरी प्रणाली को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अभी आपने सुना सैयद खालिद कैस साहब को, जो राजस्व अधिवक्ता कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने रोशनी डाली कि मौजूदा कमिश्नर प्रणाली में क्या खामियां हैं और उसे कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें प्रशिक्षण की काफ़ी गुंजाइश है। मैं भोपाल राजधानी से गणित न्यूज़
और खबरें आज तक के लिए आसिफ खान।